मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। इट मीन्स एचआईवी होस्ट सेल के अंदर किस तरह से एंटर करता है और किस तरह से अपने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अपनी जो संख्या है उसको इंक्रीज करता है और फर्दर आगे इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एचआईवी के इन्फेक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे और ये मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हमको आगे ये पता लगेगा कि एचआईवी किस तरह से हमारे अंदर डिजीज कॉज कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बार फिर एचआईवी की स्ट्रक्चर बनानी होगी, जिसमें हमने देखा कि ये इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके चारों तरफ ये कैप्सिड होता है। यहाँ इसके अपन जो डायग्राम है वो पूरा प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बस एक आइडल ये एचआईवी बना रहे हैं जिसमें हमने कैप्सिड में एक ही लेयर बनाई है यहाँ पे, और ये इसके सराउंडिंग ये दूसरा एक एनवलप है। यहाँ पर इसमें से अपन देख रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स निकले हुए हैं, तो ये इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ये जो रिसेप्टर है इसमें ये GP120 एंड दिस इज GP41। ये कैप्सिड है, इसमें यहाँ पर ये एंजाइम है RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये एचआईवी की एक स्ट्रक्चर है, ये एचआईवी है और यहाँ पर ये हमारी होस्ट सेल है। होस्ट सेल के ऊपर भी यहाँ पर ये एक रिसेप्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं CD4। ये CD4 रिसेप्टर होस्ट सेल, जो कि एक तरह की टी सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो एचआईवी है ये यहाँ पर आकर इससे अटैच होगा। ये एचआईवी का ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ बना देते हैं राउंड।
ये कैप्सिड है, इसका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सबसे पहले ये जो है एचआईवी अटैच करता है होस्ट सेल के CD4 से। ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस, ये होस्ट सेल का DNA, क्या होगा इसमें ये इस अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से यहां पर इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है। यहां पर इस पर जो आरटी एंजाइम है कोई प्रोसेस करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके थ्रू जो इसका आरएनए था आरएनए से बन जाता है डीएनए। ये हो गया वायरल डीएनए, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बन जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए की जो सिंथेसिस नॉर्मली होती है, जबकि आरएनए से डीएनए जो नॉर्मली नहीं बनता है उसको परफॉर्म करा सकता है। इट मींस आरएनए से डीएनए बना सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन ये जो वायरल डीएनए है ये इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन यानी कि ये जो इसके अंदर एंटर करके और लास्ट में यहां पर ये होस्ट के डीएनए से अटैच हो जाता है, यानी कि इसमें ये वायरल डीएनए का इनकॉर्पोरेशन हो गया। वायरल डीएनए होस्ट डीएनए से जुड़कर उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, और यहाँ पर एक तरह पूरी मशीनरी अब वायरस के कंट्रोल में आ चुकी है। मशीनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डीएनए से ही सारे प्रोटीन्स, आरएनए, जितने भी कंपोनेंट हैं वो डीएनए से ही बनते हैं। डीएनए पर किसका कंट्रोल हो गया है? एचआईवी वायरस। अब एचआईवी वायरस यहां से जो आरएनए बनाएगा, ये बन रहे हैं एमआरएनए, ये एमआरएनए सिंथेसिस होगी, और ये एमआरएनए किसके होंगे? वायरस के, यानी इनको अपन वायरल एमआरएनए बोल सकते हैं। आरएनए बनेंगे किसके बनेंगे? वायरस के बनेंगे। ये आरएनए बाहर निकल कर आएंगे यहां से, और इससे कुछ आरएनए से तो ये बन जाएगा वायरल
प्रोटीन्स, ठीक है। एंड ये जो आरएनए है ये यहाँ पर सेंटर में आकर इसके सराउंडिंग ये प्रोटीन्स जो हैं कैप्सिड फॉर्मेशन कर लेती हैं और फिर बाद में ये एनवलप बन जाता है इसके सराउंडिंग। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये दूसरा एक एचआईवी बन चुका है। ठीक है, ये एचआईवी फॉर्मेशन हो चुकी है। ये जो एचआईवी, बहुत सारे एचआईवी बनेंगे इधर, ठीक है। ये एचआईवी बाहर निकल कर आएंगे इसकी सेल मेम्ब्रेन को लाइस करके, ये फॉर्मेशन हो चुकी है न्यू एचआईवी। इस तरह से एचआईवी सेल पर अटैक करके उसके डीएनए पर अपना कंट्रोल करके अपने कंपोनेंट बना के बहुत सारे एचआईवी, न्यू एचआईवी जो है उनकी फॉर्मेशन करता है। सेल को ब्रेक करके ये बाहर आ जाते हैं और फर्दर नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए उसको रेडी हो जाते हैं। तो ये है इसका इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी का मैकेनिज्म। दोबारा रिपीट करते हैं, एचआईवी जो है ये है, एचआईवी सबसे पहले अटैच करता है CD4 के थ्रू। यहाँ पर इसका ये GP120 एंड GP41, ठीक है, ये अटैच कर लेते हैं। देन ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सेल के अंदर एंटर कर जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये वायरल डीएनए बना लेते हैं। वायरल डीएनए न्यूक्लियस में एंटर करके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं होस्ट डीएनए से और उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ पर वायरल एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वायरल एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आकर ये कुछ वायरल प्रोटीन्स बनाते हैं और देन सेंटर में एमआरएनए जो है, ये एमआरएनए सेंटर कोर में यहाँ पर आकर इसके सराउंडिंग ये वायरल कंपोनेंट्स यानी प्रोटीन्स एक पूरे वायरस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। वायरस बाहर आ जाता है और ये है न्यू एचआईवी। समझ में आया होगा, इसको दोबारा अपना कॉपी में जो नोटबुक है उसमें इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। बी सेफ, स्टे होम।